हेलो नूबर्स एंड मेडिकल वाले स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करते हुए टीएनसी स्पोर्ट्स द्वारा प्रेजेंट किया गया 104.0 बाय बीएमसी वडोदरा। तो अभी अपने थर्ड एंड लास्ट मैच की तरफ बढ़ते हैं, जो आज के सेमीफाइनल के डे वन के लास्ट मैच की तरफ। तो आपको पता है पहला मैच जो कि टीम सी ने जीता, और सेकेंड वाला जो मैच था टीम पीएक्स ने सिक्योर किया था अपने चिकन ने था। और अपने थर्ड मैच की तरफ बढ़ेंगे, जो कि थर्ड मैच में पिछले टोटल 67 प्लेयर्स ने ज्वाइन कर चुके हैं विथ टोटल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ टोटल 17 टीम्स का। तो अभी ये वाला मैच काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आपको पता है बोट कैंप वाले मैप के देखते हैं काफ़ी ज़्यादा क्लोज रेंज टू मिड रेंज फाइट होते हैं, हमको लॉन्ग रेंज फाइट हमको देखने नहीं मिलती। इतने सारे रिजेस एंड स्टोन्स के बीच में, इतने सारे ट्रीज हैं, बिल्डिंग्स के कवर के बीच में, सारे सारे स्कॉट्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा घमासान फाइट होते हैं। एज जो बोट कैंप का जो सीन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो वैसे ध्यान में रखते हुए आज के स्ट्रीम को कंटिन्यू करते हैं, और अपने फटाफट से जितने भी बंदे देख रहे हैं, अगर अपने हमारे स्ट्रीम को लाइक नहीं किया तो सबसे स्ट्रीम को लाइक कर दो, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ठोक दो। तो चेकआउट कर लेते हैं फटाफट से कि कौन से स्कॉट कहाँ कहाँ पर उतर रहे हैं। और सबसे पहले कहना चाहता हूँ दिस इज टीएनसी माम ओपी विथ टीएनसी टॉक्सिक। आज के कास्टिंग को कंटिन्यू करते हुए तो चेकआउट करते हमारा प्लेन पाथ कहाँ से कहाँ निकल रहा है। यहाँ 300 होते हुए डॉक्स तक जाएगा, जैसे कि देखने मिल रहा है बूट कैंप वाला हिस्सा को एक तरह से थ्रू पास करते हुए, साथ ही क्वारी को भी कवर अप कर दिया जाएगा। तो काफ़ी सारे स्कॉट्स एक तरह से पैराडाइज सिसोर जा सकते हैं, तातमोक जा सकते हैं, साथ ही पाइनान के अंदर स्कॉट्स उतरते हैं, साथ ही कैंप चार्ली के अंदर काफ़ी ज़्यादा लूट अच्छी मिलती है। तो सारे के सारे स्कॉट्स वैसे ही देखते हैं कि कहाँ पर उतरते हैं। और एक तरह से नॉर्दर्न वेस्टर्न साइड में सी फाइव नॉट और सी वैसे पी एक्स की स्कॉट ही उतर रही है, देखते हैं उसमें काफ़ी अच्छी लूट मिल सकती है। साथ ही जोन का प्रायरिटी वगैरह भी शायद से मिल सकती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो चेकआउट करते हैं बूट कैंप के अंदर कौन कौन से स्कॉट उतरे। बूट कैंप के अंदर टीम एस एंड एज वेल एज टीम डॉग की स्कॉट उतर रही, टीम एक्सोन की स्कॉट एंड साथ टीम डॉग की स्कॉट यहीं पर उतरी। एक्सोन की स्कॉट डबल वेयर हाउस में उतर चुके हैं, यहाँ पे निंजा वगैरह स्पॉट आउट हो रहे हैं, यहाँ पे पर्पल वगैरह ऑलरेडी यहाँ पे मेन बिल्डिंग पे उतर रहे हैं, यहाँ पे चैंडलर वगैरह भी जी हाँ मेन बिल्डिंग उतर के लूट वगैरह कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर देवर्सी भी बढ़ते स्क्वाडर करने की कोशिश लगे, चैंडलर ने पहला नॉक जो चैंडलर वगैरह उनको थर्स्ट आउट करने की कोशिश है। यहाँ पे उनको शायद यहाँ पे वन एच पी का सर्वाइव तो कर रहे हैं, अपना हील करने का टाइम मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा। और यहाँ पे शायद से लेकिन क्या टीम 17 का रसिंग करेगी, लेकिन जी ने एक्सो के अलोन की तरह से काफ़ी बेहतरीन मतलब कवर फायर आ रहा है, और एक तरह से स्क्वाड को पुश करने से रोका जाता है। और हमें चैंडलर वकील वगैरह जिसे बोला एस पेन के द्वारा सिक्योर करते हैं, लेकिन टीम सी के डॉल्फिन ने अभी जूस के स्लेयर को नॉकआउट करते हैं। ये वाला स्क्वाड कहाँ पे फाइट क्लियर फटाफट से चेकआउट करते हैं, पाइन नान पे फाइट एंगेज करते हैं, यहाँ पे देवर्षि को भी हमें नॉकआउट करते हैं। यहाँ पे अलोन के द्वारा यहाँ पे निंजा के आरडीएक्स निंजा स्क्वाड एंड एज टीम 20 के बीच में देखने के टी गात के हमें एक्सोन के अलोन के हमें नॉकआउट करते हैं। इसमें बोला कि ये वाली फाइट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, हमें एक साथ तीन तीन स्क्वाड उतरे थे सिचुएशन पे ठीक है। देवर से भी हम नॉकआउट रिसीव से एक बंदा सर्वाइव कर रहे हुए 30 एचपी का हमें घातक की तरफ से मरीज को देखने रशन करते हुए उनको जो पर्पल वगैरह हमें के ऊपर देवर से चैंडलर का किल चेक करने को पर्पल वगैरह रशन करते पहले के और उन पर घातक का स्पॉट कर दीजिए, जी हाँ उनके खाते में किल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे 1v4 तो होने से रह चुका, और यहाँ पे पर्पल अपने स्क्वाड के लिए एक तरह से विनिंग मोमेंट लेकर यहाँ पे एक्सोन के निंजा जैसे कि देखने मिल रहा है, उनके सामने टीम डॉक के प्लेयर्स में देखने मिल रहा है। डॉक के मेंबर्स यहाँ पे उमेश ओपी वगैरह थोड़ा सा डैमेज ले चुके ऑलरेडी निंजा के, और यहाँ पे डॉक के साइड को स्पॉट आउट कर सकते हैं जिन्हें दिव्यस यहाँ पे एसएल के सिंस 2000 का नॉकआउट कर चुके हैं, एज वेल एज साथ से नॉक एंड फिनिश ऑफ भी कर सकते थे। लेकिन डॉक के प्लेयर्स जैसे कि देखने मिल रहे हैं उमेश ओपी वगैरह एक तरह टीपी लेने की कोशिश, लेकिन एक्सोन के निंजा वगैरह उसको डिनाई करते हुए और यहाँ पे जरूर से उनका पुश वगैरह रोकते हुए दिव्यस को नॉकआउट करते हैं भाई बोनलेस के द्वारा। ये वाले फाइट को फटाफट से चेक करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये फाइट। और यहाँ पे डॉक के साइल को पहला नॉक निकालता है, टीम डॉक का एक नॉक निकल चुका है, डॉक के उमेश साइल से अपने प्लेयर को हमें रिवाइव देने की कोशिश, उमेश को अपने प्लेयर को रिवाइव देने पड़ेगा। दूसरे स्कॉट के तरफ उसको भी रोकना पड़ा, जैसे बोला कि ग्रेनेड आ जाए पर्पल की तरफ, पर्पल का काफ़ी बेहतरीन ग्रेनेड है, डॉक के उमेश को नॉकआउट कर देंगे, साथ ही साइल का किल वगैरह सिक्योर कर दिए जाएंगे। तो केविन एंड हार्दिक ओपी के यहाँ पे एक तरह से दिखने मिल रहा है, मॉली वगैरह किया जा रहा है, लेकिन उनका बैरल के सभी काफ़ी देर से होल्ड कर रहे हैं। वहाँ पे केविन एक तरह से एक्सोन के निंजा ने साथ पर्पल साथ से उनके लोकेशन उनके रिवील उनको काफ़ी ज़्यादा डैमेज मिल चुके हैं, उनके वेक्टर के साथ उनके हेल्थ किट के मामले कुछ भी क्वांटिटी नहीं मिल रही है। पर्पल पर पे रशन करते हुए यहाँ पे उमेश का किलो वगैरह सिक्योर करते हुए निंजा के द्वारा, और यहाँ पे बढ़ते एक्सोन काफ़ी ज़्यादा पीछे है, लेकिन यहाँ पे केविन एंड आर्थिक को भी जरूर से रशन करें। केविन कैसे वैक्टर के
और देखिए बैरल से यहाँ पे एक्शन का निंजा का किल वगैरह सिक्योर हो चुका है, यहाँ पे एक्शन का निंजा ने शायद से आखिरी किल वगैरह सिक्योर करने को यहाँ पे पर्पल यहाँ पे डॉक के आर्डी ओपी का किल वगैरह सिक्योर कर चुके हैं। तो टीम एक्सन भी टोटल सेवन किल्स का ऑलरेडी बूट कैंप को पूरी की पूरी सिक्योर कर चुका है। फटाफट से देख लेते हैं यहाँ पे अपने बूट कैंप पूरी सिक्योर कर चुके हैं, लेकिन ऑलरेडी हमें दो प्लेयर्स का कैजुअलिटी हो चुके हैं दोनों फाइट के अंदर, एक पहले चैंडलर और फ्रादर निंजा। तो अपने जो कैजुअलिटीज को ध्यान में रखते हैं अपने फटाफट से जोन के जोन को भी ध्यान में रखते हैं। तो अभी चेकआउट करते हैं फिर जोन रूल्स को फेवर कर रहे हैं फाइन के अंदर साथ है। फिर टीम पीएक्स की तरफ से रोटेशंस देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे एल के एन इट इज टीम एल यहाँ पे किकीओपी वगैरह रोटेशन आ रहा है। यहाँ पे एल के एन वगैरह ऑलरेडी अपने पोजिशन कैपिटलाइज करने के लिए अपने छोटे से कंपाउंड्स के अंदर होल्ड कर रहे हैं, साथ ही उनके जो व्हीकल्स वगैरह उसका फ़ायदा उठा के जोर से एक तरह से जोन के काफ़ी ज़्यादा सेंटर में खेल रहे हैं। तो यहाँ पे टीम बढ़ती टीम निंजा की तरफ, टीम निंजा ने ऑलरेडी फिर उनका भी रोटेशन आ रहा है लेकिन ऑन द फुट आ रहा है। और अभी टीम 20 जो कि फाइनान के अंदर थे वहाँ से भी शायद से उनका कुछ देर में क्लैश हो सकता है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन यहाँ पे बढ़ते हैं एक तरह से मोंगनाई के अंदर इन्होंने दिव्यश टीम मिस्टर का ऑलरेडी उनके कैजुअलिटी हो चुके हैं जो कि दिव्यश थे। एंड साथ ही साथ टीम नंबर SL के भी एक प्लेयर यहाँ पे ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके। तो एक तरह से इन दोनों फाइट के बीच इन दोनों स्क्वाड्स के एक ही मेंबर्स का नॉक सिक्योर कर चुके हैं ओपोनेंट स्क्वाड्स। और फटाफट से बढ़ते हैं कि यहाँ पे टीम सी की तरफ बढ़ते हैं। टीम सी के सामने फैम नॉट और टीम स्विस के प्लेयर में वो देखने मिल रहे हैं स्टार के एक्सने स्पॉट आउट कर चुके हैं। सी फैम अभी बहुत आड़ की पोजीशन वगैरह रिवील तो नहीं है लेकिन कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस है। यहाँ पे जब तक के लिए हमें फाइट नहीं हो रही तब तक के लिए हम बढ़ते हैं। फिर टीम नंबर सोल की तरह सोल के रैंडम वगैरह स्पॉट और निंजा के आर्डियक्स ने अरिस्तुतो का नॉक निकाल चुके हैं। यहाँ पे पहला नॉक सिक्योर कर चुका है भाई टीम निंजा के द्वारा। इनका जो पीएक्स के इफ आई एम नॉट रॉन्ग टीम नंबर 19 जो कि एल के स्क्वाड के यहाँ पे एक मेंबर थे जी अरिस्तुतो। और इनके यहाँ पे गाड़ी को मेरे को देखने काफ़ी बढ़िया तरह से उन्होंने पार्किंग तो जरूर से किया लेकिन अपने पोजिशन को होल्ड करने में सक्षम नहीं हो पाए जिसकी वजह से अरिस्तुतो का किल वगैरह सिक्योर हो चुका है। हमें बढ़ते हैं हरकुलस पे, हरकुलस की पोजीशन वगैरह कहाँ पे स्पॉट आउट कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जी ने यहाँ पे स्पॉट आउट तो कर नहीं पा रहे लेकिन टीम निंजा बढ़ रहा है। निंजा यहाँ पे ओपन से जैसे रोटेशन देखने मिल रहा है निंजा आरडीएक्स का M4 एंड AKM का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये जो स्क्वाड जो है टीम निंजा काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तो खेली पिछले दो मैच लेकिन अपने चिकन लेते रह गए थे पिछले मैच के अंदर। तो अब कुछ चेकआउट करते हैं इस वाले मैच में अपने लिए कौन से पोजीशन पॉइंट अपने कितने पोजिशन पॉइंट्स होकर सिक्योर करते हैं एज वेल एज कितने किल पॉइंट सिक्योर कर पाते हैं। तो यहाँ पे टीम नंबर 22 में वापस से बढ़ते हैं कैप्टन के स्क्वाड पे। यहाँ पे जो स्क्वाड टीम सी के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है दोनों स्क्वाड्स को पता है यहाँ पे कोई ना कोई है एंड दोनों स्क्वाड्स को ये भी पता है कि ये जो फाइट कुछ देर में एंगेज हो सकते हैं लेकिन कैप्टन काफ़ी ज़्यादा सिक्योरली खेलने को से उनको पता है कि उनके प्लेयर कुछ देर में एंट्री करेंगे तो तब तक के लिए उनको होल्ड करना सही रहेगा। डेमन पर बढ़ते डेमन वगैरह काफ़ी ज़्यादा दूर है जी ने एक तरह से यहाँ पे टीम सी के सामने थोड़ा सा क्लैश होते हुए को देखने रहा है। यहाँ पे टीम नंबर SL पे बढ़ते SL के एक नंबर कुछ देर ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं। यहाँ पे बोनलेस वगैरह से ऐसे अपने कंपाउंड्स को सिक्योर कर रहे हैं और यहाँ पे टीम नंबर सी से ऑलमोस्ट यहाँ पे 300-400 मीटर्स का डिस्टेंस है। क्या वो 300 मीटर्स का क्या डिस्टेंस का कवर अप करेंगे टीम या फिर नहीं ये देखते रहना पड़ेगा। तो जितने मतलब देख रहे मैं से कहना चाहता हूँ फटाफट से स्क्रीन को लाइक कर देना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी मार दो। तो यहाँ पे तो सभी से मैं कहना चाहता हूँ थैंक यू फॉर 600 सब्स हमारे TNC स्पोर्ट्स के अंदर और हमारे 600 सब्स रीच हो चुके हैं आज के दिन पे। सो थैंक यू सो मच एंड साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ हमारे आज के जो स्ट्रीम के अंदर काफ़ी ज़्यादा इशूज़ हमको पता है पहले वाले मैच के अंदर जो कि मेरा मार रहा था तो उसके अंदर माइक का इशू हुआ, सेकेंड वाले मैच के अंदर थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हुआ तो उसके वजह से स्ट्रीम एक तरह से हाफ मैच का तो कंप्लीट हो गया था। तो सिर्फ उसे अभी थर्ड वाला मैच डिले करके हमको स्ट्रीम करना पड़ रहा था इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो इसके लिए आज का जो स्ट्रीम था काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हो लेकिन हम जोर से आपको प्रॉमिस करते हैं कि नेक्स्ट वाले जो सेमीफाइनल का डे जो कि कल से होगा उस वाले स्ट्रीम के अंदर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो उसके लिए हम जरूर से कहते हैं कि उसके लिए हमारे जरूर से हामी रहेगी। साथ ही साथ मैं कहता हूँ कि वो जो पॉइंट टेबल वगैरह वो उसको जरूर से डिस्कस कर लेंगे कुछ देर में क्योंकि हमको पता पहला मैच काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, सेकंड वाला मैच भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था लेकिन थर्ड वाला मैच डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि कौन सी 8 टीम्स अपने लिए मतलब फाइनल्स की तरफ बढ़ेंगे और कौन सी 8 टीम्स नहीं बढ़ कौन से बाकी के 8 टीम्स जो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो टीम
टॉप 8 टीम्स के जोर से डिस्कस करेंगे इस वाले मैच के अंदर। जो टॉप 8 टीम्स होगी वो डिसाइडिंग फैक्टर रहेंगे कि अपने लिए जो उन्होंने कितना टाइम वर्थ टाइम जो स्पेंड किया क्या वो वर्थ इतना साथ उन्होंने कि अपने जो प्राइस पूल कितने कितने डिफरेंस किया तो एलिमिनेट हो चुके हैं तो सारे के सारे स्कॉट्स को पता चल जाएगा। तो तब तक के लिए बने रहना। और यहाँ पे जो जोन का मूवमेंट आ रहा है तो जोन का स्पीड शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग जोन का स्पीड बढ़ा है नहीं है। तो यहाँ पे फिर टीम पी एक्स टीम एम डब्ल्यू की स्क्वाड मेरे को देखने में मिल रही है। यहाँ पे एक सारे सारे स्कॉट्स काफ़ी ज़्यादा मेरे को एक तरह से काफ़ी ज़्यादा होल्ड करते हुए देखने मिल रहे हैं क्योंकि रोहन के सामने तीन मेंबर्स है और उनकी जो बाकी जो प्लेयर्स है जो आदम इस वाले मैच में 3x4 खेल रहे हैं। जी हाँ, बेदिया वगैरह 3x4 खेल रहे हैं और हम उनके जो एकमात्र आखिरी प्लेयर जो कि रॉक्सी वगैरह एक तरह से अलग पोजिशन में खेल रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड है सारे सारे स्कॉट्स जिन्होंने अपने अच्छे पोजिशन को होल्ड कर सके तो उस वाले पोजिशन से वो निकल नहीं रहे हैं। एज वेल एज सारे सारे स्पॉट्स काफ़ी ज़्यादा सेफ कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है पोजिशन पॉइंट को सिक्योर करना है तो उस वाले फैक्टर को वो अपने ध्यान में रखते हुए वैसे सारे सारे स्पॉट्स मूवमेंट दे रहे हैं। तो सिर्फ उसे इतने देर 10 मिनट्स हो चुके आज के मैच के अंदर और सिर्फ उसे दो स्कॉट हेलमेट हुए थे इसका मतलब आप समझ सकते हो ये जो स्कॉट्स काफ़ी ज़्यादा सीरियस है अपने आज के जो लास्ट वाले मैच की तरह। तो वैसे ही सारे सारे स्कॉट्स के मूवमेंट आ रहे लेकिन जो टीम सोल की मैं बात कर रहा था अभी तक जोन के अंदर एंट्री नहीं किए उनको पता है कि सैनॉक का जो जोन है काफ़ी ज़्यादा स्लो जाता है लेकिन जो जोन का जो डैमेज है वो तरह से डिसेंट सा होता है तो उसके मुताबिक ऐसे जोन के अंदर एंट्री करें लेकिन उनके साथ अगर व्हीकल वगैरह हो तो फटाक से जोन के अंदर एंट्री करें क्योंकि सिर्फ उसी 1 किलोमीटर का डिस्टेंस और 1 किलोमीटर का डिस्टेंस यू ही ऑलमोस्ट इन 30 सेकेंड्स वो जोन के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो उसको फिलहाल यहाँ पर टाइम पास करते जैसे मैं देखने मिल रहा है ऐसे अपने लिए एलिंग्स वगैरह ड्रॉपिंग करते हुए ऐसे अपने एलिंग्स वगैरह शेयर करते हुए देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पे हिप जॉइंट का टोटल 10-11 हीलिंग हेल्थ किट्स है तो इसका मतलब ये एक जरूर से मेरे को हीलिंग बैट हील बैट मेरे को देखने को मिल सकता है आज के मैच के अंदर। तो आपको पता है कि सैनॉक का मैटर्स अपने अगर अपने रिसेंट वाले कॉम्पिटेटिव मैचेस देखेंगे तो आपको पता है कि हील बैट इज द न्यू मैटर फॉर द सैनॉक। तो इसी को सबसे ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हिप जॉइंट का टोटल 11 हेल्थ किट है तो यहाँ पे जरूर से जोन के अंदर एंट्री करना और साथ ही अपने टॉप 3 के अंदर लाने का जो डिसीजन होगा वो पूरा हिप जॉइंट पर रहेगा। साथ ही अगर हिप जॉइंट अगर सर्वाइव कर पाते हैं तो तब तक के लिए तो वैसे ही ऐसे जोन के अंदर एंट्री करना रहेगा क्योंकि यहाँ पे जोन शिफ्ट हो चुके हैं लेकिन जोन काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट आउट नहीं हुआ एक तरह से नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड बना हुआ है जोन और सारे सारे स्कॉट्स मतलब ऑलरेडी जोन के अंदर एंट्री कर चुके तो किसी भी स्कॉट्स को अपने पोजिशन को छोड़ के अपने एक तरह से बेस्ट पोजिशन को छोड़ के नहीं निकलने देगा। एंड साथ ही साथ जो जोन इस पर वाटर को छोड़ के पूरा ऊपर लैंड पर आ चुका है तो उसके मुताबिक सारे के सारे स्कॉट्स एक तरह से उनका मतलब एक तरह से अपना बैक एंड को क्लियर करने की जरूरत नहीं रहेगी जो जो हेड्स पे खेल रहे थे। तो अभी सेम फैक्टर को ध्यान में रखते हैं बढ़ते टीम नंबर SL पे टीम SL के स्कॉट्स एक तरह से जोन के बाहर से अभी भी एंट्री किए। जी हाँ, उन्होंने अपने आपको फुल्ली हील डाउन कर चुके हैं उनकी 3 मैन स्टैंडिंग है तो अपने एक तरह से बैक एंड क्लियर करने की कोशिश गॉड स्पीड के द्वारा और हम पे बोनलेस वगैरह स्काउट करने की कोशिश एक तरह से जंपिंग करके अपने सारे के सारे ब्लाइंड स्पॉट्स को क्लियर करते हुए मेरे को देखने को मिल जा रहा है। टीम नंबर 25 की स्कॉट जो कि आगे अपने जो एक तरह से गेट कीप कर सकती है इफ आई एम नॉट रॉन्ग फॉर द नेक्स्ट जोन जो कि अपना जो तीसरा जोन आएगा तब की बात और अपना जो अब सिर्फ से दूसरा जोन आने में फिलहाल के लिए 1 मिनट का टाइम और 1 मिनट के टाइम के लिए क्या क्लैश होगा। जी हाँ, क्लैश इन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्लोज है तो बोनलेस की वीआर पे जरूर से आइडिया नहीं कि यहाँ पे टीम 10 यहीं पे और तो यहाँ पे चेकआउट करती है टीम 10 को क्या पता चलेगा कि यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे रिंग डेविल वगैरह काफ़ी सही से यहीं पे होल्ड कर रही फैम नॉट रख जी अपने यहाँ पे एक तरह से पूर्ण डाउन हो चुका अपने पोजिशन में एक तरह से अपने पोजिशन को रिवील नहीं कर सकता। डेविल वगैरह अपने यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे राजी ने यहाँ पे जोर से अपने ओपोनेंट्स के यहाँ पे पोजिशन वगैरह रिवील कर चुके और यहाँ पे जोर से फाइट में एक्सटेंड करने की कोशिश यहाँ पे फायरिंग आ चुका है। यहाँ पे चेकआउट करते SL के लोगन ने शायद से दूसरे मेंबर जैसे दूसरी टीम को शायद स्पॉट आउट किया था लेकिन जी ने फिलहाल के लिए चेकआउट करके लोगन की तरह से क्या हमको एक M24 का चार्टा देखने को मिल सकते थे फिलहाल के स्काउट करने की कोशिश ली। यहाँ पे राजीव पे वापस से बढ़ते राजीव फिलहाल के टिक भी लेने की कोशिश अगर एक तो ग्रेंड वगैरह आ जाएगा तो SL के पास एक तरह से ईजी नॉक एंड फिनिश देखने को मिल सकता है। तो सेम इसी को ध्यान में रखते हैं तो फटाफट से देखते हैं कि टीम 25 के अपने जो इस वाले पुश को रोक पाती है कि नहीं। थ्री मैन पुश आएगा कुछ ही देर में लेकिन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जो 3 मैन पुश को इजीली डील कर सकते हैं क्योंकि इनके सामने प्लेयर्स एडवांटेज है इनके पास और इसी को ध्यान में रखते हुए एक इजी स्क्वाड वाइप भी देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे जब तक यहाँ फाइट में एंगेज नहीं हो रहा तब तक के लिए हम बढ़ते पाइनन के दबाव पाइनन के चेकआउट करते जो टीम नंबर 20 जो कि अपने पोजिशन को पूरे पाइनन में उन्होंने उतरे पाइनन में लूट किया और पाइनन में ही शायद से यहीं पे मिड बसने का शायद से उनका आइडिया क्योंकि उनके जोन का जो फेवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि पूरे सेंट्रल जोन के अंदर उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी सारे स्क्वाड को उन्हीं पर आएगी कुछ ही देर में तो उसी को ध्यान में रख के तो यहाँ पे
बढ़ते हैं टीम नंबर 16 के अंदर। यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे हेल्थ किट वगैरह मारते हुए मेरे को देखने मिल जा रहा है। शायद से उन्होंने एंट्री नहीं की 400 मीटर्स के डिस्टेंस और अपने यहाँ पे बैंडेज वगैरह लगाते हो, अगर एक छोटी सी मिस्टेक होगी तो यहाँ पे शायद से एलिमिनेट हो सकते हैं और उनकी जो पूरा ऊपर हिल बैटल का जो प्लान है वो फिलहाल वो मिस्टेक में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे उनके बाकी सारे मेंबर्स ने ऑलरेडी जोन के अंदर एंट्री कर चुके, रैंडम हो गया यहाँ पे नी जॉइंट हो गया एंड एज वेल एज यहाँ पे RR क्योंकि K2 भी हो गए तो जोन के अंदर एंट्री कर चुके, लेकिन RR क्योंकि K2 का स्पॉट आउट कर चुके ऑलरेडी। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये टीम नंबर X1 की तरफ से थे, X1 के अलोन ने उनको काफ़ी अच्छा डिसेंट सा डैमेज दिया, लेकिन फिलहाल के अपने कवर में लेकर हैं और यहाँ पे जो स्पॉट है उनको पता है कि फटाफट से हिल बैटल करना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने हिप जॉइंट के साथ व्हीकल है, जी उनके व्हीकल है, तो इसका शायद से इसलिए शायद से थोड़ा सा लेट एंट्री करने का उनका डिसीजन है। तो फिलहाल तो जैसे सेफ है, जैसे आपको पता है कि स्क्वाड कभी हिल बैटल करते हैं, जब हिल बैटल करते हैं जब उनको पता है कि उनका स्क्वाड अभी एलिमिनेट होने वाला है, तो उनमें से कोई एक बंदा जिनके सेल्फ किट्स के में क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होते हैं वो हिल बैटल करना शुरू कर देता है जोन के बारे। तो ऐसे फिलहाल के लिए तो इनकी स्क्वाड फिलहाल सेफ है और यहाँ पे एक तरह से पीछे जोन टू जोन क्लियर कर रहे अपने लिए लूट होकर कंटिन्यू और साथ ही जितना हो सके उतना हिल बैटल्स को इकट्ठे करते हुए मेरे को देखने को मिलता है। लेकिन टीम सी के स्क्वाड काफ़ी क्लोज है टीम सोल के और यहाँ पे जरूर से 6-स्टार के 4 वगैरह जरूर से पता है कि यहाँ पे कोई ना कोई स्क्वाड है और उनको एलिमिनेट करने के लिए टीम सी कुछ ना किसी भी हद तक जा सकते थे। अपना सेकंड जोन यहाँ पे क्लोज इन करते हुए सेकंड जोन फाइन को फेवर करते जी फाइन एंड कैम्प चार, लेकिन यहाँ पे टीम नंबर 20 क्या ही पता नहीं लक का फेवर जहाँ पुत्र वहीं पे उनको पूरा का पूरा जोन है। तो एक तरह से सेंटर ड्रॉप लेने का एक यही एक कुछ फायदे में से ये भी है कि पूरा पूरा जोन कभी भी आप पे फेवर दे सकते हैं ऑलमोस्ट, मतलब जोन आप पे रहते हैं स्टार्टिंग के 2 जोन तो हमेशा आप पे रहते हैं एंड एज वेल एज जो नेक्स्ट वाले जोन की तो छोटा मोटा लक तो इन्वॉल्व होता ही है। तो यहाँ पे 19 टीम पे जो है टीम एल इस वाले मैच उनको कुछ ना कुछ कारनामा तो करना पड़ेगा क्योंकि अपने जो स्टार्टिंग के जो 2 मैच थे उन्होंने उसमें शायद उन्होंने उतने ज़्यादा किल्स वगैरह सिक्योर नहीं किए, लेकिन इस वाले मैच अगर सिक्योर कर पाते तो जरूर से अपने को टॉप 8 में लेके आ जाएंगे, चाहते थे अपने लिए क्वालिफाई हो जाएंगे फॉर द फाइनल राउंड। तो अपने जो फाइनल राउंड के लिए को जरूर से कुछ ना कुछ स्किल्स पॉइंट में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एल के केन वगैरह स्काउट करने की कोशिश, यहाँ पे M4 6S अर्कुलिस वगैरह विद M4 and 6S के साथ यहाँ पे ये तीनों मेंबर्स अपने पूरे के पूरे एरिया क्लियर करने की कोशिश, लेकिन टीम निंजा पे यहाँ पे PX स्क्वाड पे रशिंग कर चुके जी यहाँ पे PX के मोहित वगैरह स्काउट करने की कोशिश, यहाँ पे निंजा के आर्टिस्ट और जिन यहाँ पे आर के लूनेटिक वगैरह काफ़ी क्लोज है यहाँ पे अज्जू के साथ और यहाँ पे जोर से जो 4v4 का सिचुएशन देखते हैं यहाँ पे कैसा एक्सटेंड होता है। लेकिन PX के सिर्फ जो 2 बंदे ने यहाँ पे स्लैम लेन दिया हुआ और बाकी 2 मेंबर्स ऐसे थोड़ा सा पीछे हैं जी यहाँ पे स्टोन पे, तो एक तरह से 2 मैन स्प्लिट में देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर निंजा का जो तरह से ग्रेनेड है जी हाँ ग्रेनेड तो आ रखे हैं ग्रेनेड से नॉकआउट पाते हैं चेकआउट करते ग्रेनेड काफ़ी ज़्यादा दूर फटा प्लेस के क्लोज नहीं था। तो अल्कट्रस जो दर्ज फोटो करते क्या ये मॉलिक कनेक्ट जी हाँ ये वाला मॉलिक कनेक्ट हो सकता है पे अल्कट्रस की पोजीशन में चेक करते अपना को हील डाउन कर रहे हैं, लेकिन जो स्टोन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो इसके वजह से मॉली वगैरह नहीं फॉल बैक कर चुके हैं जिसलिए उनको मॉली वगैरह कनेक्ट हुआ। लेकिन वर्नर जो कि 1 HP के सर्वाइव कर रहे हैं टीम निंजा के साथ ही साथ टीम 11 के प्लेयर्स भी उनको स्पॉट आउट कर चुके थे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग फिर TD वॉरियर बट बर्थ डेविल इफ आई एम बीइंग श्राउड ने शायद स्पॉट आउट किया था जी हाँ टीम नंबर 19 पे इनकी नज़र है। लेकिन यहाँ पे जो टीम निंजा पे देखते हैं कौन से प्लेयर की नज़र है यहाँ पे टीम नंबर 11 जो TD वॉरियर जो रॉयल लेजेंड है उनकी तरफ से कुछ देर पहले कवर पर आया था, लेकिन फिलहाल के थोड़ा नो आइडिया कि कौन से मेंबर ने यहाँ पे वर्नम को थोड़ा सा डैमेज प्रोवाइड किया था। तो वर्नम अपना हील करते हुए मेरे को देखने को मिले एंड शायद से फाइट एंगेज करने रहेगा, साथ ही जो टीम से जो उनका रोटेशन आता है बट टीम बढ़ते फिलहाल के टीम कैप्टन का स्क्वाड काफ़ी ज़्यादा वाइड स्पीड है, यहाँ पे स्टार काफ़ी ज़्यादा दूर है, यहाँ पे TV यहाँ पे डेमन उनके पीछे पीछे आ रहे हैं ऑलमोस्ट 100 मीटर्स का डिस्टेंस है, लेकिन उनके पीछे शायद से स्टार का और उनके पीछे शायद से कैप्टन है। तो एक तरह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस के साथ खेलते हुए और पूरा का पूरा जो हिल को पूरा का पूरा कैपिटलाइज कर चुके और सारे के सारे स्क्वाड्स को जरूर से उनको उनके पोजिशन अगर रिवील है ऑलरेडी से, लेकिन उसको डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे जब भी अगर रश आएंगे तो जरूर से अपने प्लेयर का कवर फायर तो एक्सपेक्ट कर ही रहे होंगे स्क्वाड्स के द्वारा। तो यहाँ पे ये चेक करते कि टीम सोल जो मैं बोला जोन के बाहर सभी एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे नी जॉइंट कैस 3 हेल्थ किट, यहाँ पे हिप जॉइंट कैस फटाफट से चेकआउट करते हैं उनके बाकी सारे मेंबर्स का कितने हेल्थ किट्स वगैरह है। यहाँ पे RR के पास 3 हेल्थ किट है, हिप जॉइंट कैस ऑलरेडी हम 15 हेल्थ किट जैसे बोला कि प्ले जोन के बाहर से सच इनके हील बैटल वगैरह शुरू हो जाएगा और सोल रैंडम कैस भी 1 हेल्थ किट है। तो यहाँ पे सोल रैंडम को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो 300 मीटर का डिस्टेंस है उनको शायद से बूस्ट करके शायद से जोन के अंदर एंट्री कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही जोन टच होने का काफ़ी ज़्यादा डैमेज इंक्रीज हो सकता है। तो सोल के रैंडम शायद से इफ आई एम नॉट रॉन्ग जोन के अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे, लेकिन 200 मीटर के डिस्टेंस के
कवर अप कर पाते कि नहीं चेकआउट करते हैं। फिर जूस के लेने पर राजू को नॉकआउट कर चुके। डेमन ने यहाँ पे एक और दो नॉक जरूर सिक्योर कर चुके हैं। फिर डेविल के क्रेजी को नॉक इन फिनिश ऑफ करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। 10 किंग के डेविल एंड लॉर्ड पे जो कि अभी सर्वाइव कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी प्रोन डाउन हो चुके हैं। तो स्नेक्स का फैक्टर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है। जूस के स्लेस को जरूर स्पॉट आउट कर चुके, लेकिन डेविल फिलहाल फायर करते हुए देखने को नहीं मिल रहे। और यहाँ पे स्लेयर अभी फिलहाल के लिए जंपिंग जब बैक करते हुए और स्पॉट आउट करने की कोशिश, लेकिन लॉर्ड ने उनको फायर कर दिया। लॉर्ड ने जूस के स्लेयर को नॉक आउट करते जाएंगे और जूस का स्लेयर का किल वगैरह सिक्योर करने की कोशिश विद क्यूबीसी और इन सब डीबीएस के साथ डीबीएस के साथ एक ब्लड कनेक्ट हुआ। लेकिन इफ आई एम नॉट अ टीम एक्सन के प्लेयर जोर से कंफर्म कर सकते जूस के स्लेयर को यहाँ पे चेकआउट करते हैं। यहाँ पे टीम जूस के बाकी जो ड्रॉप शॉट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, लेकिन ड्रॉप शॉट फिलहाल के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल तो नहीं हुआ क्योंकि डेविल ने उनको काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया। लेकिन फिलहाल के वो भी सेफ है, अपने को हेल्थ किट पॉपिंग करने का टाइम दे पाते कि नहीं। भाई फिलहाल के अभी भी फ्री फायर देने की कोशिश क्योंकि उनके पता है उनके टीममेट्स काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो अपने को सर्वाइव करना पड़ेगा। तो सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मॉली से शायद डेमन यहाँ पे नॉकआउट होने के पूरे पूरे चांस है। मॉली काफ़ी ज्यादा यहाँ पे 1 HP के साथ अभी सर्वाइव करें, अपने हेल्थ किट पॉपिंग कर देंगे। दो मॉली के बीच अभी सर्वाइव करो, जूस के स्लेयर को हम रिवाइव देने पर टी टी वॉरियर यहाँ पे ब्रोस के सखी को नॉकआउट कर और यहाँ पे टीम टेंडन के डेवल अभी सर्वाइव करें। टेंडन के डेवल यहाँ पे स्पॉट आउट यहाँ पे एक्सिस्ट के साथ उनको नॉकआउट कर देंगे। यहाँ पे लॉर्ड एंड डेविल के दोनों एक एक किल जाते हुए इफ आई एम नॉट और दो किल्स के टीम्स को टॉप 10 की तरफ बढ़ने की कोशिश। और पीएक्स के जो कि पीएक्स के नहीं, ये जो स्क्वाड पीएक्स के नहीं थे यहाँ पे, जिसने बोला पीएक्स की दूसरी स्क्वाड फुल्ली फुल्ली स्टैक में देखने को टीम 20 के पे एक बंदे नॉकआउट हो चुका। डेथ स्टार के यहाँ पे एक प्लेयर को नॉकआउट किया था। फटाफट से बचे टीम नंबर 20 पे यहाँ पे पियर्समेंट को नॉक दिया था, लेकिन अपने आपको यहाँ पे रिवाइव दे चुके हैं और चेस वगैरह बढ़ते हैं आपको। लेकिन यहाँ पे निंजा के आर्टिक्स को नॉक देखने मिले भाई बन्ना के द्वारा, बन्ना के काफ़ी बेहतरीन M4 का स्प्रे और यहाँ पे बन्ना को नॉकआउट करने का यहाँ पे टीम निंजा की स्क्वाड जरूर से रशिंग करेगी और यहाँ पे अपने प्लेयर को पे रिवाइव देने की कोशिश करेगी। यहाँ पे टीम करते हैं, लेकिन आर के लोन काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे एक का स्प्रे से हमें डैमेज देने की कोशिश करेंगे। डेथ स्टार यहाँ पे मिस्टर स्मिथ का किल वगैरह सिक्योर कर चुके हैं। पेयर्समेंट का वापस नॉकआउट आ चुका है जी हाँ PMX के मोहित के द्वारा और यहाँ पे टीम नंबर नीचे काफ़ी ज़्यादा स्लो एंड स्टडी खेल रही क्योंकि उनको पता है कि पाइनल के एक तरह से एक एच से एंट्री कर रहे हैं, तो उनको स्लो एंड स्टडी अगर क्लियर आउट करते रहेंगे पूरा का पूरा चारों एरियाज को तो इजीली वो जोन के अंदर एंट्री भी कर लेंगे। तो बनाना इस बार अपने नीचे का जो अपने नॉकआउट कर चुके लेकिन आज के टिक के तरह से काफ़ी बेहतरीन मतलब फ्री फायर आया, लेकिन वो फिलहाल कवरअप नहीं आएगा। और इबजॉइंट जो कि अभी देखने मिले जोन के बाहर अपने टोटल 17 एयरक्रिफ्ट के जोन के अंदर एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। 350 मीटर्स का भी फिलहाल बुट कैम के इससे में ही मेरे को देखने मिले टीम एक्स1 के सामने सोल के मेरे को प्लेयर देखने मिल रहे सोल के रैंडम प्लेयर्स ने अभी एक का तो निक नॉक वगैरह सिक्योर करते हैं। निंजा कार्डेक्स ने पेयरमेट्स को एक तरह मॉलिस नॉकआउट करते हैं, दो बंदे का नॉकआउट करते हैं निंजा कार्डेक्स के द्वारा काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तो खेल रही है। निंजा के स्क्वाड अपने टोटल 3 का सिक्योर कर चुके और अपने जो दो मौली का किल को क्या कन्वर्ट कर पाते हैं एक ही नहीं चेकआउट करते हैं। पहल के इनका किल फिलहाल के लिए रॉयल किल एजेंट के द्वारा और अर्कलेस का किल फिलहाल प्लेजेंस करते हैं जेन स्क्वाड के अंदर मौली से हम कन्फर्म हो जाए। इस कारण प्लेजेंस से नॉकआउट जी हाँ जो कि उनके प्लेयर से क्या जी बैटल कर रहे थे प्लेयर के प्लेजेंस से नॉकआउट हो जाएंगे और पे पढ़ते हैं निंजा की देर आते हो जो कि तरह के निंजा के जो स्पॉटर कहते हैं PM के मोदी द्वारा मोहित के द्वारा सॉरी माई बैड और पे जॉइंट का किल वगैरह सिक्योर होते हैं भाई प्लेयर जोन के साथ जो उनकी मिस्टेक थी फिलहाल काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है और उनके प्लेयर जो कि हिल बैटल करने का जो डिसीजन था फिलहाल अनसक्सेसफुल होता है। और बनना नहीं जो स्टार का किल वगैरह सिक्योर करता है टीम निंजा के स्क्वाड फिलहाल जोन के अंदर बनने की कोशिश। यहाँ पे RDX वगैरह और वन ने तो ये दो बंदे नॉकआउट करते हैं आज के लोनटिक एंड एज वेल एज पे निंजा के अर्जु का किल वगैरह भी सिक्योर होते हैं और निंजा के चलते एक बंदे सर्वाइव कर रहे हैं। निंजा के राज को भी स्पॉट कर चुके थे MW रोन के द्वारा और यहाँ पे बिंग्स नॉट ऑफ प्लेस नॉकआउट होते हैं। यहाँ पे सोल क्रैंडम को स्पॉट कर एक्स अलोन के द्वारा जो कि जो जोन के बाहर से एंट्री कर रहे थे। यहाँ पे सेम स्क्रीन स्कॉट जो कि अपने टोटल 7 किल सिक्योर कर चुके की थी और अपने एक और किल के साथ टॉप 10 के तरह बढ़ने की कोशिश करें तो अपने टॉप 14 के अंदर सारे स्कॉट्स जो कि एंट्री कर चुके। तो फटाफट से चेकआउट करते कौन कौन से स्कॉट जोन के अंदर एंट्री कर चुके हैं। टीम नंबर GTA टीम ब्रो स्पॉट आउट कर चुके पर्पल के दौरान पे उनका किल वगैरह सिक्योर करते हैं भाई अलोन एंड साथ ही फटाफट से चेकआउट करते 10 रिंग के डेविल ने गॉड स्पीड को नॉकआउट कर चुके हैं। साथ ही गॉड स्पीड के प्ले जोन से कन्फर्म हो जाए जो जोन के बारे काफ़ी सारे स्कॉट्स है फाइट में एंगेज करें जिसने बोला कि टीम PX स्कॉट अभी फिलहाल जोन के अंदर एंट्री कर रहे हैं। PX के एम मोहित 1 HP के सर्वाइव कर रहे हैं यहाँ पे फिलहाल के स्मोक का कवर बनाते हैं और अपने जोन के अंदर एंट्री करने की कोशिश उनके जो बाकी जो मेंबर थे PX के
ओसवाल्ड वगैरह जी हाँ ओसवाल्ड फिलहाल के लिए प्ले जोन से नॉकआउट हो जाएंगे डायरेक्टली फिनिश ऑफ होते हैं मेरे को देखने मिलेगा शायद से अपना किल वगैरह दूसरे प्लेयर को ना दे तो उसके लिए जितना हो सके उतना ज़्यादा टाइम जितना हो सके उतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे यहाँ पे नई जॉइंट फिलहाल के लिए अपना आखिरी जो आखिरी दो हेल्थ किट वगैरह यूज करते शायद से अपने लिए जोन के अंदर एंट्री कर पाएंगे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग लेकिन अपने लिए जरूर से पोजिशन पॉइंट जरूर से सिक्योर नहीं कर पाएंगे क्योंकि अपने जो आखिरी हेल्थ किट वगैरह ओपन कर रहे हैं अपने जोन के अंदर एंट्री करना काफ़ी ज़्यादा 120 मीटर्स का डिस्टेंस और अपने जो वन ऑफ द आखिरी मेडकिट्स को यूज़ करते हुए मेरे को देखने मिल रहा है कभी टीम पी क्योंकि टीम सी कितना बढ़ती क्योंकि उनके जो जोन के जो कैपिटलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा देखने मिल रहा है साथ ही उनके पास एक 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 लौता हार्ड कवर मेरे को देखने मिल रहा है साथ ही नी जॉइंट ने अभी पर्पल का नॉकआउट कुछ है नी जॉइंट से लगे प्लेजोन से नॉकआउट हो जाएंगे साथ ही प्लेजोन से हेलमेट हो सकते हैं पी एक्स स्कॉट काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि उनके सिर्फ रिजर्व फिलहाल और साथ ही बहुत हार्ड के देते साथ ही पूरी टीम सी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा ग्रेंट्स को स्पैमिन कर चुके और पे हल्का तरफ स्पॉट कर चुके और अब हल्का तरफ को नॉकआउट कर चुके भाई सी के डॉल्फिन के ग्रेंट से अब एक और ग्रेन आते हैं पी एम मोदी को मोहित पे यहाँ पर स्पॉट करते बहुत आर्ट की तरह बहुत आर्ट को भी शायद से नॉकआउट कर दिए जाएंगे और सिर्फ एक बंदे सर्वा करें वर्नम तो वर्नम के पोजिशन वगैरह भी रिवील हो जाएगी विद द स्मोक के साथ क्योंकि उन्होंने स्मोक करके अपने पोजिशन को रिवील कर चुके जिन्हें ग्रेंड करके अपने पोजिशन को रिवील कर चुके हैं साथ ही सी शार्क को नॉकआउट कर चुके सी शार्क में जी टी के दीक्षित को भी नॉकआउट कर चुके फटाफट से बचे जी टी ए के स्क्वाड में क्योंकि जी टी का भी फोर मैच स्टैंडिंग है तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज प्रोवाइड कर सकते हैं बोनस के बाहर अभी सर्वा कर जी हम फिलहाल के लिए एल स्किट को ओपन करें तो अपने अपने खाद उनके सभी और तीन किटे तो थोड़ी देर तक और सर्वाइव कर सकते हैं लेकिन अपने लिए क्या टॉप फाइव के अंदर देखे पाए थे कि चेकआउट करने लगे क्योंकि उनके बाकी तीन मेंबर्स ऑलरेडी एलिमेंट हो चुके प्ले जोन से पर्पल का किल वगैरह सिक्योर हो चुके हैं एक अपने खाते में एक आखिरी हेल्थ किट क्या अपने एक आखिरी हेल्थ किट से जोन के अंदर एंट्री कर पाते थे कि चेकआउट क्योंकि अपने आटो जोन काफ़ी ज़्यादा डैमेज होगा जी हाँ और जो जैसे मैं बोला प्ले जोन से एलिमेंट हो जाएंगे बोनलेस वाले लेकिन अपने आपको टॉप फाइव में जरूर से लेकर जाएगा टीम जी टी एक्स विद द फोर मैन स्टैंडिंग अपने लिए एक ईजी चिकन लेने के लिए बढ़ते लेकिन अपने पोजिशन वगैरह रिवील नहीं कर रहे हैं साथ ही एक्सोन कैलोन का किल वगैरह भी प्ले जोन से कंफर्म हो जाएगा तो नहीं अच्छा यहाँ पे एक्सोन कैलोन फोर्थ पोजिशन हेलमेट हो तो यहाँ पे टीम एक्सोन अपना फोर्थ पोजिशन सिक्योर करते हुए इस वाले और अपने सेकंड वाले मैच में उन्होंने ऑलमोस्ट चिकन ने सिक्योर कर लिया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग क्योंकि हमें फटाफट से बताया टीम पी एक्स के अंदर जो कि फिर सेकंड मैच का टीम सी एंड सच है टीम पी एक्स के सामने काफ़ी ज़्यादा क्लोज कॉल क्योंकि पहले मैच का चिकन ने टीम सी ने सिक्योर किया साथ ही सेकंड मैच चिकन ने मतलब पी एक्स के स्क्वाड ने सिक्योर किया था तरह से दोनों स्क्वाड अपने लिए आज के जो सेमीफाइनल के टॉप फर्स्ट पोजिशन में कौन सी स्क्वाड आएगी तो उसके लिए अभी लड़ते हैं देखने साथ ही टीम जी टी एक्स पर जो कि उनकी एक प्लेयर अभी 200 नॉकआउट हुए लेकिन अपने फर्स्ट पोजिशन सिक्योर कर सकते क्योंकि उनके ऐसे मैन एडवांटेज है और अपने स्नेक जोर से रिवाइव देते स्नेक को यहाँ पर रिवाइव नहीं मिल रहा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ओपन में वहाँ पर जी टी एक्स वगैरह अपने पोजिशन को रिवील नहीं करना चाहते तो इसके वजह से शायद उनको जरूर से रिवाइव मिल सकता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग वहाँ पे जी टी ए दीक्षित फिलहाल के ग्रैंड को बुक कर रहे हो अरे ग्रैंड का कंफर्म हो गया लेकिन ग्रैंड कंफर्म नहीं होगा फिलहाल उन्होंने अपने खाते में उन्होंने अपने ग्रैंड कर चुके लेकिन ऐसे करते हुए सी के सार के दर सी के सार को डाल नॉक एंड फिनिश कर दिया सी के स्क्वाड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सी जी टी ए के स्नेक को क्या रिवाइव मिल पाएगा क्योंकि चेकआउट करते लेकिन जी ने अभी सर्वे करे और उनको जरूर से रिवाइव मिल पाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग बहुत आर्ट की तरह से अभी चेकआउट करते थोड़ा सा और ले लेते हैं साथ ही साथ टीम पी एक्स शॉर्ट फिलहाल के लिए जो तीनों के तीनों मेंबर एक ही हाउस के अंदर होल्ड करे अगर ग्रेनेड्स का स्पैम हो जाएगा तो टीम पी एक्स जरूर से हेलमेट हो सकती है तो यहाँ पे और जैसे बोला कि टीम सी काफ़ी बढ़िया क्या मतलब एक तरह से 1v2 कर चुके इफ आई एम नॉट और सी के सर और सी के भी तीन मेंबर सारा करे और टीम पी एक्स का भी थ्री मैन स्टैंडिंग लेकिन अलग फिनिश ऑफ कर दीजिएगा वरना पीएम मोहित वरना को फॉलो कर दिया पीएम मोहित अभी तक सारा करें उन्होंने बहुत आउट को जरूर से नॉकआउट कर चुके तो बोले कि अपने वरना फिर सारा कर रहे उन्होंने अपना खेल वगैरह सिक्योर करने की कोशिश पी एक्स की स्क्वाड में टोटल सिक्स फिनिशर्स के साथ टीम स्क्वाड पर रेसिंग करते हैं सी के डॉल्फिन वगैरह पर रेसिंग करने की कोशिश लेकिन सी के डॉल्फिन उनको फिनिश ऑफ कर दिए जाएंगे एक ब्यूटीफुल M4 के स्प्रे का और उनको डायरेक्टली लॉबी में पहुंचा देंगे तो टीम सी यहाँ पे अपने लिए सेकेंड चिकन सिक्योर करते हुए आज के हमारे सेमीफाइनल्स के डे वन के तरफ टोटल 8 फिनिशर्स में तो ये तो जोर से क्लियर आउट होते हुए कि हमारे सेमीफाइनल के डे वन के फिलहाल के लिए तो विनर यही है टीम सी के द्वारा सेकंड पोजीशन सिक्योरिटी बाई टीम पी एक्स टोटल 6 फिनिशर थर्ड पोजीशन सिक्योरिटी बाई टीम जी टी विथ टोटल 2 फिनिशर टीम पी एक्स की तरफ से एक और चिकन ने मिस आउट होते हैं दोनों सेकंड मैच में जरूर से चिकन ने सिक्योर कर लेकिन अपने थर्ड मैच में चिकन ने सिक्योर कर सकते लेकिन एक छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से अपने टीम स्क्वाड यहाँ पे हेलमेट हो चुके हैं
सेकंड पोजीशन पर था, फोर्थ पोजीशन पर था टीम एक्सॉन, टोटल नाइन फिनिशर देखा थे, कितने सारे फिनिशर मतलब उन्होंने मतलब प्लेस पॉइंट के पॉइंट में थोड़े से पीछे जरूर से रहेगा, लेकिन उन्होंने किल्स के पॉइंट में जरूर से कवर अप कर चुके और अपने नाइन्थ किल्स के अपने टॉप फोर में लेके आ चुके हैं। जरूर से चेकआउट करते हैं कि अब कौन कौन सी स्क्वाड अपने टॉप एट में लेके आ चुके हैं। और आज के मैच के अंदर एंड मेडिकल्स के स्टूडेंट्स। सो आपके वेट को यहाँ पर ख़त्म करते हुए अपने जो बर्नआउट 4.0 के सेमीफाइनल के डे वन के रिजल्ट के साथ मार चुके हैं, तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ जितने बंदे देख रहे हैं अगर अपने अब तक हमारे स्ट्रीम को लाइक नहीं किया तो सबसे लाइक कर दो एंड साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ठोक दो। सो अभी जो आपके वेट को यहाँ पर ख़त्म करते हैं और अपने जो पहले आज के अपने डे वन के अंदर जो टॉप 8 की जो टीम्स है आपके सामने डिस्प्ले होते हुए और सारे जो बाकी से जो टीम्स थे उन सभी को मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ फॉर द फ्यूचर गेम्स के साथ। तो अभी थोड़ी चेकआउट करते अपनी जो पहली टीम थी वो अपने लिए कितने पॉइंट्स के अपने लिए फर्स्ट पोजिशन में सिक्योर कर चुके। सो दैट टीम इज नन अदर देन टीम प्रॉक्सी फॉर गेटिंग द वन चिकन एंड टोटल 20 किल पॉइंट्स के अपने लिए टॉप वन पे आ चुके। इनके जो टॉप वन एंड टॉप टू के जो डिफरेंस है एक तरह से वन पॉइंट का जो डिफरेंस के साथ टीम प्रॉक्सी ने अपने लिए फर्स्ट पोजिशन सिक्योर कर चुके हैं। तो वे टोटल पॉइंट्स और टोटल 53 पॉइंट्स के सिक्योर कर चुके। तो जो सेकंड पोजिशन सिक्योर करती बाई टीम सी विथ टोटल ऑफ 52 पॉइंट्स के, जैसे बोला कि वन पॉइंट्स के डिफरेंस के साथ वो सेकंड पोजिशन सिक्योर करते हुए उनके यहाँ पे डबल चिकन डिनर होने के बावजूद भी उनके प्लेसमेंट पॉइंट्स में थोड़ा सा पीछे रहे, लेकिन टीम प्रॉक्सी ने कर दिखाया एक तरह से 33 प्लेसमेंट पॉइंट सिक्योर कर चुके विथ टोटल 53 पॉइंट्स के साथ। तो टीम सी ने 52 पॉइंट्स सिक्योर करते तो बढ़ते फिर टॉप थ्री के अंदर टॉप थ्री में आ चुकी है टीम 63 विथ टोटल 34 पॉइंट्स। जैसे कि अब जैसे पोजीशन नंबर टू एंड पोजीशन नंबर थ्री के अंदर जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि उन्होंने टीम नंबर थ्री ने एक भी चिकन सिक्योर नहीं किया, लेकिन उन्होंने किल्स के मामले में जस्ट थोड़े से पीछे रह गए विथ टोटल 17 किल्स का। तो हमें टोटल पोजीशन पॉइंट्स का मिला के टोटल पॉइंट्स हो जाते एट 34 पॉइंट्स। तो अपने जो टॉप फोर पोजिशन आ चुके टीम एक्सॉन विथ टोटल 33 पॉइंट्स का। इसी के अब जैसे प्लेसमेंट पॉइंट में एक पॉइंट पीछे रहने की वजह से अपने थर्ड पोजीशन छोड़ चुके और एक्सॉन अपने जरूर से टॉप फोर में लेके आ चुके हैं, अपने जरूर से फाइनल के लिए क्वालिफाई हो जाएगी। तो फिफ्थ पोजीशन आ चुकी टीम GMCS विथ टोटल 30 पॉइंट्स। सिक्स पोजीशन आ चुकी टीम पुशर विथ टोटल 28 पॉइंट्स। 17 पोजीशन सिक्योर करती है टीम ब्लड अंडर्स विथ 24 पॉइंट्स एंड 8 पोजीशन सिक्योर करती है टीम नॉर्दर्न किंग्स विथ टोटल 22 पॉइंट्स के साथ। तो यहाँ पे ये जो अपने टॉप 8 के कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि आपने फाइनल्स के अंदर क्वालिफाई कर चुके हैं। साथ ही साथ मैं सारे के सारे बाकी जो टीम्स थे उन सभी को मैं जरूर से कहना चाहता हूँ कि आप अब बदकिस्मती से आप क्वालिफाई नहीं हो पाए, लेकिन आपके जो फ्यूचर यहीं पे एंड नहीं होता और आप जरूर से ग्राइंड करते रहना और अपने जो ऐसे कई सारे टूर्नामेंट्स हो गए आप जरूर से उन्हें पार्टिसिपेट करके आप किसी ना किसी ने आप जरूर से अपनी टीम को रोशन करके। साथ ही आप हमारे TNC ई स्पोर्ट्स की स्क्रिप्ट वगैरह को ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपके लिए ऐसे BGIS का जो टूर्नामेंट होने वाला जल्दी जो बाय क्राफ्टन के द्वारा, तो उसके लिए हम स्क्रिप्ट वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप में से जो भी स्क्रीन्स वगैरह खेलना चाहते हो तो आप जरूर से ज्वाइन कर सकते हो। तो फटाफट से दिखा देते बाकी टीम्स के पोजिशन पॉइंट्स वगैरह। तो नेक्स्ट आ चुकी 9th पोजिशन में विथ टोटल 21 पॉइंट्स। 10th पोजिशन में आ चुकी टीम ब्लडलस्ट विथ 19 पॉइंट्स। 11th पोजिशन में आ चुकी टीम एक्सपार्क विथ 11 पॉइंट्स के बाद यहाँ पे 12th पोजिशन सिक्योर करते भाई बिग बैड वैम्पायर्स विथ टोटल 8 पॉइंट्स के साथ। जी हाँ, एंड आ चुकी टीम डॉक 13th पोजिशन में विथ टोटल 8 पॉइंट्स के साथ। एंड भाई 14th पोजिशन में आ चुकी टीम वाइकिंग्स विथ टोटल 8 पॉइंट्स। यहाँ पे 15th पोजिशन सिक्योर करते भाई टीम सेल विथ टोटल 6 पॉइंट्स। यहाँ पे 16th पोजिशन सिक्योर करते भाई टीम 10 रिंग्स विथ टोटल 5 पॉइंट्स। एंड साथ 17th पोजिशन में आ चुकी टीम द
द नॉकआउट एग्स टोटल 4 points का, तो अपने जो 18th वाले स्क्वाड ज्वाइन नहीं कर पाए आज के बारे तीनों मैच के अंदर, तो उसके वजह से उनका यहाँ पे पॉइंट्स में उनका नेम वगैरह डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो उसके लिए दूर से कहना चाहता हूँ कि अपने एक तरह से अपने जो चांस को आपने मिस कर चुके हो फिलहाल के लिए, तो आप भी फाइनल्स के अंदर क्वालिफाई नहीं हो, आपके आपके जो स्क्वाड्स के अंदर भले आपका जो स्क्वाड के जरूर से स्किल सेट होगा, लेकिन आपने ज्वाइन नहीं करने की वजह से फिलहाल के लिए आप भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। तो फिलहाल के वापस से अपने जो टॉप 8 टीम्स को जरूर से एक बार कंग्रेचुलेट करते हुए, क्योंकि आपने अपने फाइनल्स के अंदर जरूर से क्वालिफाई हो चुके हैं, और अपने जो सेकेंड वाले डे के अंदर हम आपको वापस से मिले, आपका नहीं आई मीन टू द व्यूअर्स, हम आपको जल्दी मिलेंगे आप वापस से। तो जितने भी बंदे देख रहे हैं अपने, अगर आपने अब तक हमारे स्ट्रीम को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले स्ट्रीम को लाइक कर दो, एंड एज वेल एज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ठोक दो। तो यहाँ पे दिस स्ट्रीम इज गोइंग टू एंड नाउ। तो यहाँ पे TNC स्पोर्ट्स के प्रेजेंट किए गए 104.0 बाई BNC वडोदरा का यहाँ पे स्ट्रीम एंड होते हुए। सो यहाँ पे अगर आप में से किसी को कुछ भी डाउट है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बता देना, और आप कौन सी टीम का सपोर्ट करें, तो और आपके जो आप कौन सी टीम को जो सपोर्ट करें तो वो कौन से पोजिशन पॉइंट में सिक्योर किए, तो आप जरूर से उसको भी आप स्ट्रीम पे बता सकते हो। तो यहाँ पे स्ट्रीम पे एंड होते हैं। सो दिस इज TNC वामो पे विथ TNC टॉक्सिक साइनिंग ऑफ, टाटा बाय बाय सी यू।